हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमारे पास रेडमी का फ़ोन आया है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये टच काम करना इसका बंद हो गया है दोस्तों। यदि आपके पास ऐसा फ़ोन आता है कि उसका अचानक टच काम करना बंद कर देता है दोस्तों, तो बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। यदि आपका टच ख़राब नहीं रहेगा तो आपका 100% काम करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लेना है। मान लीजिए आपका फ़ोन टच नहीं काम कर रहा तो आप रिबूट नहीं कर पाओगे। और आपको इसको रिबूट करना है तो रिबूट आप कैसे करोगे दोस्तों? तो इसको रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को लगभग 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखना है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पावर बटन को प्रेस करिए, लगभग 10 से 15 सेकंड तक आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम इसे प्रेस करके रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन थोड़ा टाइम में रिस्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको पावर बटन को छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा 10 से 15 सेकंड लगता है दोस्तों, ऑटोमेटिक हमारा जो है फ़ोन रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा फ़ोन चलते चलते इसका जो है टच काम करना बंद कर देता है, या अचानक डिस्प्ले पर फिगर आना बंद हो जाता है, या अचानक कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोबाइल में स्पीकर रिंगर और माइक सब कुछ काम करना बंद कर देता है। यानी अचानक से आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, हैंगिंग प्रॉब्लम कोई भी हो जाता है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और रिबूट और रिस्टार्ट करने में आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। तो आपको अपने फ़ोन को रेडमी फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए क्या करना है, केवल पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। और आपका हैंगिंग प्रॉब्लम यदि कुछ भी रहेगा, यदि आपका मोबाइल का कुछ भी ख़राब नहीं रहेगा और आपका हैंग हुआ होगा तो आपका 100% काम करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो है टच काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नया आए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।